हेलो दोस्तों, भारत एक विकसित देश बन गया है, लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो पुरानी परंपरा को दिखाती हैं। भारत आज यहाँ विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, लेकिन भारत के कुछ गांव में ऐसे हैं जहाँ सैकड़ों सालों से पुरानी परंपराएं चल रही हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकॉन का बटन भी दबा दें। कभी कभी ये परंपराएं ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर या सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। आज मैं फिर आपको दिखाने जा रहा हूँ एक कहानी जिसको सुनकर आपको शायद यकीन नहीं होगा। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे भारत के पिणी गांव के कहानी जो एक बार आपको तो हैरान कर देगी। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण घाटी में पिणी गांव स्थित है, जहां आज भी सैकड़ों साल परंपराएं कायम है और ये परंपरा में यहाँ के लोगों का पूरा विश्वास भी है। कहते हैं कि शादी विवाह में महिलाओं का मजाक और पति पत्नी की लड़ाई एक आम बात होती है, लेकिन इस पिणी गांव का मामला बिल्कुल अलग है, जहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। मणिकर्ण के पिणी गांव में जो रिवाज सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, जिसकी शादी के बाद पति अपनी पत्नी से 5 दिनों तक बात नहीं करता है। यही नहीं, यहाँ की महिलाएं शादी के बाद 5 दिन बाद बिना कपड़ों के रहती हैं। ये महिलाएं अपना सारा काम बिना कपड़ों के ही करती हैं। गांव के लोगों का मानना है कि यदि गांव की महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं तो कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। यहाँ के लोग 5 दिनों तक शराब को हाथ भी नहीं लगाते हैं। आप एक बात को जरूर सोच रहे होंगे, यह कैसी परंपरा है कि साल के 5 दिन महिलाओं को नंगे रहना पड़ता है। आपको पूरी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ के लोगों का मानना है कि जिस दिन पिणी गांव में राक्षसों का वास था, यहाँ रहुआ खोड़ देवता आए थे और राक्षसों का विनाश किया था। भद्र संस्कृति को ये काला महीना कहते हैं। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है और इस गांव की महिलाएं 5 दिनों तक नंगी रहती हैं। ये इस गांव की परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। दोस्तों, बहुत सारे स्थानों पर आपने देखा होगा कि एक रिवाज है, जब लड़की की शादी होती है तो वह अपने पहले सावन महीने में अपने घर में रहती है और ससुराल नहीं जाती। लेकिन इस गांव में शादी के बाद लड़की का जब पहला सावन आता है तो उसे ससुराल में ही रहना पड़ता है और वो भी बिना कपड़े पहने। इसके बाद पुरुषों को ना मांस और ना ही शराब को हाथ लगाने की अनुमति होती है, बिल्कुल शुद्ध रहना पड़ता है और पूजा पाठ चलता रहता है। दोस्तों, आप भी इस पिणी गांव में घूम कर आ सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर आपको देखने की अनुमति नहीं देंगे, पर यहाँ औरतें नंगी रहती है तो आप भी उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें। आपको ऐसी ऐसी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।